हेलो जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल रीना पंगाल ब्लॉग्स में। और भी कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक हो, और भी हम भी ठीक ठाक हैं। तो विश्व वैश्विक का टाइम है, और भी मैं आज देखो मैं आ रही हूँ यहाँ पे थेरेपी लेने। और भाई तो विश्व वैश्विक पे 10 बज रहे हैं, तो भाई मैं यहाँ पे एक मशीन तो इन्होंने भी मुझे लगा दी है, यानी मेरे 5-6 मशीन लगती है। तो भाई जितना भाई होगा उतना दिखाऊंगी। तो भाई एक ही मेरे पैरों में लग रही हुई है, ऐसा लगता है जिन सुइयाँ सी चुभती हो। और भी एक मशीन के भाई काम हो गया ख़त्म, उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा मिला है रिलैक्स। उसके बाद भाई दूसरी स्टार्टिंग होगी, तो भाई 2-4 मिनट का रेस्ट लिया है। उसके बाद भाई दूसरी लगी हुई है थेरेपी, तो भाई पैर की हो गई है, अभी भाई कमर की लगेगी मशीन। यहाँ भाई मेरी पैर की भाई उसकी होके का, तो भाई कमर पे मशीन लगा दी है। और ये मशीन ऐसे चलती है, मतलब जरा जरा सा जैसे करंट सा लगता है, हल्का हल्का सा, लेकिन ये होता है भाई बूढ़े को थोड़ा रिलैक्स सा मिलता है इससे, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बहुत आराम सा मिलता है। और अभी भाई इसके बाद एक भाई और लगेगी कमर के थोड़े ऊपरले हिस्से में, उससे भी थोड़ी गर्माहट सी आएगी शरीर, मतलब गर्म गर्म सा हो जाएगा, यानी कि सिकाई, जैसे हम सिकाई करते हैं ना वैसे ही होता है। तो जी मेरी फिजियोथेरेपी हो गई है, अभी सारी मशीन मुझे लग चुकी है। और अभी मैं लोकेश जी का वेट कर रही हूँ यहाँ पे, वो आएंगे, इतना मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ा आराम कर रही हूँ। और भाई मैं ही नहीं, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो परेशान हैं। ये देखिए साइड में अंकल जी हैं, उनको भी सर्वाइकल हो रखा है। अरे आंटी है, इनके भाई घुटनों में दर्द है। तो भाई यही है, मैं सोचती हूँ भाई मैं नहीं, लेकिन वो ही है बस, सबको परेशानी है। मैं तो फिर भी यंग हूँ, ये भी तो बेचारे हैं जो भी इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। और भाई तो भाई इनको देख के भाई थोड़ा हौसला मिला है मुझे आप, तो भाई जब ये बेचारे ऐसे हैं तो भाई हो जाऊँगी मैं भी ठीक, थोड़ा हौसला रखना चाहिए मुझे भी। तो भाई ये मतलब कहीं भी जा लो, कोई हॉस्पिटल में जा लो, कहीं भी, मैं अब तक इतने हॉस्पिटल में गई, एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर मतलब भाई थोड़ा बहुत खाली हो, फुल है सारे हॉस्पिटल, सब कुछ फुल रहता है हर जगह। हेलो जी, गुड इवनिंग जी। तो भाई शाम का टाइम है, और भाई 4:30 बज रहे हैं। तो भाई और मैं अभी वहाँ से आ गई थी भाई फिजियोथेरेपी करा के, और अभी आके भी चाय वगैरह पी आके, तो भाई तभी आ गई थी 12 बजे। उसके बाद भी थोड़ा दोपहर में भाई बच्चे बच्चे संभाले भी आ रहे हैं, कुछ बुलाया वगैरह, उसके बाद भाई अब चाय पानी पी है। तो 4:30 का टाइम हो रहा है, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, मतलब इतनी अच्छी बारिश आ रही है, बहुत बढ़िया बारिश आ रही है, ठंडी ठंडी चल रही हवा। कल भी मौसम अच्छा था, और आज भी मौसम बढ़िया हो रहा है। देखो जी मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और आपने भी दिखता भी होगा, तो तिरंगा तिरंगा लहरा रहे हैं सबके घर पर, अभी तिरंगे फहरा रहे हैं। मैंने पंछी कहा था ऊपर लगाया, पंछी ने पता नहीं कहाँ लगा दिया, पंछी कहाँ लगाया तूने, मैंने तिरंगा दिया तेरे को, तेने नहीं पता, पता नहीं कहाँ रख दिया। मैंने कहा था मैं तो जा नहीं सकती, मैंने कहा तो पंछी जा ऊपर लगाया, पंछी ने पता नहीं कहाँ रख दिया वो। कोई बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर ना, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आर्यन की गड्डी, आर्यन अपनी गड्डी चला रहा है, अपनी गड्डी में पंछी ने तो बैठावा नहीं, मुंडे ने बैठावा है, मुंडे ने बैठाई घूमी जा है। देखो हवा, देखो अपने पर्दे देखते होंगे, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। अंदर आ जाओ, बारिश हो रही, चलो बारिश का हो रही है, मगर तो मजा आ रहा है। और भी मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे वहां से आके, ये था कि अभी सुबह गई जब दूसरे चेंज कर गई थी, फिर आपके ने मैंने ये डाल लिए थे, वो धो गए, धोने डाल दिए थे मशीन में। आज कोई मशीन लगाई थी, 2-4 दिन में भी एक बार लगाते हैं। और भाई मैं थी जब तो भाई धो लेती थी, अब तो ये है भाई लोकेश जी धोते हैं, तो 2-4 दिन में भी एक बार लग पाती है। और भी कपड़े बस अभी ये 2-4 ही डालती हूँ मैं, मतलब टी शर्ट सी लोअर सी हैं, 2-3 टी शर्ट है, 2-3 लोअर है, बस यही डालती हूँ। ज़्यादा सूट वगैरह भी मैं डाल नहीं रही अभी मेरे, क्योंकि घर में रहती हूँ, कहीं आना जाना होता नहीं है, वैसे मैं थोड़ी बीमार चल रही हूँ, तो भाई इसलिए सूट तो मैं डालती नहीं, कम्फर्टेबल रहे वो कपड़े डालती हूँ। तो अभी ये 2-4 टी शर्ट है, आप लोग ये मत कहना भाई आप ये के पास यही टी शर्ट आप इसमें भी लोग बनाते हो, ऐसे नहीं है, 2-4 टी शर्ट है, मैं चेंज कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे ये टी शर्ट पसंद है, इसका ज़्यादा नंबर आता रहता है। आइसक्रीम खानी है? नहीं तो कम हो जाएगा। मैंगो खाने हैं? पक्की आ जाएगी। और बल्ले खाने हैं? नहीं मम्मा मारेगी। और आप चॉकलेट खानी है? चॉकलेट नहीं खानी, तो गंदी बात होती है। गंदी बात होती है,
तो बहुत अच्छा बच्चा है फिर तो। और बारिश भी बहुत जबरदस्त आ गई है, कोई 3 दिन को सुत्ती बारिश आ रही है, नानका जी करे है। मैं थोड़ी देर के लिए भाई घूमने के लिए उठी हूँ, पर्दे लगाए हैं मैंने, तो पानी रट्टे नहीं इससे, यहाँ गेट लगवाना था। अब मैं थोड़ा काम सा रुक गया बीच में, मेरी बीमार हुई पीछे, देखो हम देख सकते हो का पता नहीं अच्छी आ रही है बारिश, अच्छी नहीं आ रही, बीमार हो गई, नहाना नहीं है। क्यों नहीं पंछी नू कह बारिश में नहाऊं, नहीं नहाना नहीं है, ऐसे ही वायरल फीवर चल रहा है अभी अभी फैले, हाँ वायरल फीवर चल रहा है अभी अभी, थोड़ा डर लगता है बच्चों को बारिश बारिश में नहाने से, भी रोकना है। ये पंछी भी बना रही है ड्राइंग, पंछी की स्टडी करा रही भी, मैं बैठ के पंछी क्या बना रही है, डियर डियर बियर पता नहीं क्या बना रही है, डियर बियर 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 है ये, मतलब तो डियर रहा है भाई, देखियो भाई आपने क्या लाग रहा है, यो बियर है ये हिरन, तो बियर हिरन होता है, बियर तो भालू होता है, बीमार हुए पीछे पंछी की ड्रॉइंग चेक की है, ये एप्पल वाटरमेलन, ये भाई थर्ड क्लास में इसकी ड्राइंग लेकिन काफी अच्छी है पंछी की पहले से,